हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये है मेरा बर्थडे ब्लॉग पार्ट टू, और हम पहुंच गए हैं रामगढ़ फोर्ट पंचकुला। यहाँ से इसका एंट्री, पीछे पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने किए गाड़ी पार्क, आगे से हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा रामगढ़ फोर्ट दिखाने वाली हूँ, यहाँ का मतलब कैसा बना हुआ है, खाना कैसा है और इसके प्राइजेस वगैरह क्या है, सब कुछ आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और ये आई थिंक एशिया का टॉलेस्ट वुडन गेट, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका, और ज़्यादा मुझे अब इसकी नॉलेज नहीं है, तो हम अंदर जाके यहाँ के मैनेजर से मिलेंगे और इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कराई पिक्चर्स क्लिक। गुगु। कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने गेट से ली एंट्री, और लेफ्ट हैंड साइड था इनका रिसेप्शन एरिया, यानी यहाँ पे बना हुआ है ऑफिस। और यहाँ से बीच में जो सर्कल है, इसके चारों तरफ फोर्ट बना है। राइट हैंड साइड पे वॉशरूम बना है जो बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब एकदम पुराने स्टाइल का काइंड ऑफ। तो यहाँ से हमने यहाँ पे रिजर्वेशन करा रखी है, तो जो इनके असिस्टेंट है ये हमारे साथ साथ जा रहे हैं और हमें दिखाएंगे पूरा रामगढ़ फोर्ट अच्छे से। और हमारे भगत के जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सारे रूम्स हैं बने हुए हैं, यहाँ पे कितने रूम्स हैं क्या है वो भी हम यहाँ के मैनेजर से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा। और यहाँ पे दस्तारखान, बीच में एक बहुत बड़ा लॉन एरिया जो बहुत अच्छा इन लोगों ने साफ़ सुथरा मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और साइड में एक विंटेज कार है जो मतलब शीशों में इन्होंने फ्रेम की हुई है, तो यहाँ पर भी पिक्चर्स क्लिक कराई। तो यहाँ पर यहाँ के जो मैनेजर है राजेश, ये है, तो यहाँ पे ही हमें बताएंगे रामगढ़ फोर्ट के बारे में कि कब बना और क्या इसकी हिस्ट्री है और यहाँ पे क्या क्या है, तो आप लोग चाहे तो विजिट कर सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए ये मतलब इसके बारे में कुछ। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। रामगढ़ है, ये 350 साल से भी पुराना फोर्ट है। ओके जी जी। तो इसका जैसे एंट्री करोगे आप, तो आप देखोगे बैक साइड में एशिया का ये सबसे टॉलेस्ट वुडन डोर है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 37 फीट इसकी हाइट है, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है एक डेस्टिनेशन वेडिंग्स का फेमस वेन्यू है, आप देख सकते हैं पूल एरिया है। ओके, पूल एरिया सामने, स्विमिंग पूल है। ओके ठीक है जी। तो डेस्टिनेशन वेडिंग काफी फेमस है। अच्छा, कहाँ पे? ओके, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी आ सकते हैं। ओके, जी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है जहाँ राजस्थानी स्टाइल में भी थोड़ा आपको क्यूजिन मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी हमारे पास टोटल जो है 35 रूम्स है। ओके, और रूम का रेंट वगैरह क्या रहता है? रूम का जो हमारा प्राइस से स्टार्ट हो जाता है मैम 5000 से स्टार्ट है, अप टू 7000 तक ये प्राइस में। और आई थिंक दो कैटेगरी यहाँ पे रॉयल और विंटेज, रॉयल और विंटेज है ना। रॉयल और विंटेज है, इंपीरियल स्वीट भी है हमारे पास, टू रूम्स मिल जाएंगे। ओके ओके जी। क्लब रूम काइंड ऑफ यहाँ। तो अभी ट्री हाउस भी है हमारे पास, वो आप देख सकते हैं, वो भी सामने। अच्छा, वहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, ट्री हाउस कर सकते हैं, अभी ट्री हाउस विजिट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो एक बार आप दिखाओगे ट्री हाउस? जी डोंट माइंड जी, बचाओ बचाओ बचाओ, एक मिनट में हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब सितंबर ऑनवर्ड से ट्री हाउस है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो पर नाइट का रेंट रहेगा हमारा वो 10,000 के। अच्छा, क्या है मतलब क्या बना हुआ है ट्री हाउस में? इसमें एक रूम मिलेगा आपको, वॉशरूम है साथ में, और okay. आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। ठीक है जी। ओके ओके ओके। तो इसका रेंट भी क्या रहने वाला है? इसका अप्रोक्सीमेट लेके चलिए पर नाइट का 10,000 से स्टार्ट रहेगा। ओके, 10,000 से स्टार्ट। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। फिर मैं अभी थोड़ा विजिट करती हूँ, देखती हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे लोन एरिया के सामने जो स्टेयर्स जा रही हैं वो ऊपर चढ़ के बना हुआ है स्विमिंग पूल। अगर आप यहाँ पे स्टेकेशन के लिए आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। और मैं एक्चुअली ऊपर गई थी शूट करने पर, 2-3 फैमिलीज थी वहाँ पे, बच्चे थे, तो शूट करना यू नो डजन लुक नाइस, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। पर ऑफ कैमरा मैं यहाँ पे गई थी देखने के लिए कैसा है, तो मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन था। कई बार होता है ना, हम जाते हैं स्विमिंग पूल कहीं पे अच्छा नहीं होता, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन था और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन कर रखा था। तो यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। सच्ची बताऊँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत पुराना फोर्ट है, अभी मेरे यहाँ के मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया है 350 ईयर्स पुराना है। और यहाँ पे जो मतलब ऑनर्स हैं वो भी, उनके भी साथ में उन्होंने एक घर बना रखा है, वो वहीं पे रहते हैं। और स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। एक विंटेज कार यहाँ पर खड़ी है पुरानी, और मतलब खेलने क्रिकेट वगैरह के लिए भी यहाँ पर है जगह, तो काफ़ी अच्छा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले, तो अभी मैंने सारा विज़िट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में।
तो यहाँ पे भगत और गुगू आराम से, मतलब पापा के साथ जब होती है ना तो पापा के साथ रहती है, मेरे पास नहीं आती है। तो पीछे भगत के आपने देखा होगा बहुत बड़ा पिंजरा बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछा था, तो ये कह रहे थे कि केव है जो हमने प्रिजनर्स के लिए पुराने टाइम में बनाई गई थी, तो इन्होंने उसे ज़्यादा चेंज नहीं किया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको व्यू दिखाती हूँ सारा, इसका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सामने वाला जो एरिया है वो मतलब ऑनर्स के पास है और काफ़ी नीट एंड क्लीन था, और काफ़ी ना मतलब कहते हैं ना कई जगह आपको जाके बहुत ज़्यादा सुकून रिलैक्स मिलता है, वैसे वाला एक प्रॉपर्टी थी, मतलब काफ़ी अच्छा फोर्ट बना हुआ था। तो एक्चुअली घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया था, अब हमें लगी थी भूख, तो हमने एंट्री की दस्तारखान में। दस्तारखान यहाँ के रेस्टोरेंट का नाम है, और जब हमने यहाँ पे एंटर किया ये बहुत पुराने स्टाइल का बना हुआ था, मतलब राजाओं के टाइम का। वो देखिए साइड में जाली वाला दरवाज़ा जैसे पुराने टाइम में होता था, और काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ था, नीट एंड क्लीन था। तो मेन मैटर, और यहाँ पे पुराने वाले जो हथियार, वो बड़े बड़े तीर लगे हुए थे सारे वॉल्स पे, और ये गोल गोल सा, आई डोंट नो ये इसे क्या कहते हैं, तो ये भी था, इन्होंने कुछ बताया था पर मुझे याद नहीं है। एक बहुत बड़ी यहाँ पे मतलब राजाओं के टाइम की चद्दर लगी थी, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दस्तारखान का मेन्यू, और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, आप कहीं पे भी विजिट करते हो आपको अच्छा लगता है, पर मैटर करता है उसका खाना, खाना कैसा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी कितनी है, सब कुछ मैटर करता है, प्राइजेस क्या है। तो बस यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं खाना, और ये सारे सूप्स हैं, मतलब सूप के प्राइजेस हैं। और अगर मैं यहाँ पे मतलब हमने जो भी ऑर्डर किया मैं वो भी आपको आगे बताती हूँ। और अभी हाथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर्टी हो रखे थे शूट कर करके, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे वॉशरूम हैंड वॉश करने। और यहाँ का जो वॉशरूम था वो भी इतना अच्छा बना हुआ था, नीट एंड क्लीन, मतलब बिल्कुल पुराने स्टाइल टाइप काइंड ऑफ बना हुआ था। तो बस मतलब वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने किया ऑर्डर, और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, खाने की क्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी, मतलब खाना मतलब क्वांटिटी इतनी थी कि हम चारों के लिए सफिशिएंट था। और गुगू का यही है कि जब भी कहीं जाओ ना तो इसको, ये देखो ये चद्दर बनी हुई है जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने फ्रेम कर रखी है। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कराए, उसके बाद हमारा खाने का हमने कर दिया है ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर किया है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं दस्तरखान में और हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो आज हमने स्टार्टर्स में मंगवाया है पनीर टिक्का और कॉकटेल कबाब, और मेन कोर्स में अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि दाल मखनी, और इस बार हम पनीर नहीं मंगवा रहे क्योंकि पनीर टिक्का में पनीर हो जाएगा। तो हमने वेज मंचूरियन मेरा फेवरेट मंगवाया है, और फिर बस उसके बाद फिर हम डेजर्ट में देखते हैं क्या मंगवाना है। और ब्रेड्स में हमने बास्केट लिए जिसमें लच्छा परांठा, मिक्सी रोटी और नान, बटर रोटी, मतलब सब उसमें मिलता है। तो अभी जैसे फूड आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भगत के लिए हमने ऑर्डर किया फ्रेश लाइम, मेरे लिए मेरी फेवरेट फैंटा, और पिज़्ज़ीन ने भी मतलब कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की है। कभी खाना आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जो उनका ये रेस्टोरेंट है दस्तरखान, जो मैंने भी आपको दिखाया, बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब बिल्कुल पुराने स्टाइल का बना रखा है, जैसे कि हम वो उमराव जहान काइंड ऑफ पिक्चर्स में देखते थे, मतलब वो राजाओं महाराजाओं वाली वैसा टाइप। और यहाँ पे इन्होंने मुझे जो चद्दर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इन्होंने मुझे ये बताया कि ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे हमारी ड्रिंक्स आ गई है जो अब हम करने वाले हैं इन्जॉय। तो बस यहाँ पे हमारे स्नैक्स भी आ गए, पनीर टिक्का मंगवाया था और दही का मतलब कॉकटेल कबाब थे। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे फाइव स्टार में होता है थोड़ा लाइट, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो ऐसा ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। मुझे कबाब ज़्यादा टेस्टी लगे थे कंपेयर टू पनीर टिक्का, तो टेस्ट मतलब अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं कह सकते। पर पनीर टिक्का मुझे थोड़ा सा लिटल स्पाइसी था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे एक्चुअली चटपटा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो कबाब ज़्यादा अच्छे थे। और क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी खाने की अच्छी थी और क्वांटिटी भी अच्छी थी, मतलब प्लेट में काफ़ी इतना फूड था कि हमारे लिए सफिशिएंट था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइजेस की, तो प्राइजेस डेफिनेटली यार फोर्ट है यहाँ पे, मतलब डेस्टिनेशन काइंड ऑफ बना हुआ है, तो यहाँ पे प्राइजेस डेफिनेटली महंगे ही होने हैं खाने के। तो खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था। तो यहाँ पे हमने अपना डिनर मंगाया है, डिनर में हमने मंगाया है दाल मखनी, एक्चुअली दाल मखनी और पनीर ही खाते हैं, पर पनीर टिक्का में ऑलरेडी पनीर हो चुका था। तो मंचूरियन मैंने ऑर्डर, मंचूरियन मतलब मुझे अच्छा लगता है, पर यहाँ पे मुझे मंचूरियन थोड़ा सा मतलब मैं डिसअपॉइंट हो गई कि जो मंचूरियन के बोल्स थे आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, मतलब वो टूटने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे लास्ट में थी हमारी डेजर्ट जो हमने मंगवाई आइसक्रीम। तो अब जाना था हमें घर, खाना खाने के बाद बिल पे किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ अपना आज बर्थडे का, तो बहुत अच्छा था, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को क्योंकि उन्होंने रिजर्व की, मतलब मेरे लिए इतना अच्छा प्लान किया था। तो काफ़ी अच्छा आज पूरा दिन गया, टाइम स्पेंड किया,
तो बस अब जाएंगे घर पे, और घर जाके हमें करना है केक कटिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटे से नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, यानी बर्थडे व्लॉग पार्ट 3, क्योंकि यार ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और अभी हमें घर जाने में कम से कम 1.25 घंटे का टाइम लग जाएगा। एक्चुअली 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, तो 11 बजे के आसपास मतलब पहुँचेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत देखते हैं चेंज वेंज करके केक वगैरह कट करेंगे। तो गाइस ये था मेरा छोटू सा व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे बर्थडे व्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 आप सारे जरूर वॉच करना।